नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हम इस समय प्रेमनगर नगरा के अंदर गली में खड़े हैं, बबली मेडिकल स्टोर पर खड़े हैं। ये मार्ग राजू राजेंद्र सिंह यादव की तरफ, कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ जाती हुई रोड है। देख सकते हैं पूरा सुनसान पड़ा है, दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। ये रोड हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये हाट के मैदान से आती हुई रोड है, ये डाकखाने की तरफ जाती हुई रोड है। सारा सुनसान पड़ा है, सारी दुकानें बंद हैं। ये रोड अंदर को थाने की तरफ जाती है, देख सकते हैं सारी दुकानें बंद हैं इस समय। अगर हम कोरोना को हरा सकते हैं तो लॉकडाउन करके ही हरा सकते हैं। सुरक्षित रहें, घर में रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत है तभी बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइज़र हाथ में लेकर निकलें। सारी सब बंद है इस समय। जय माता दी शोरूम है, बंद पड़ा है, लॉकडाउन के वजह से बंद है समय। पूजा साड़ी सेंटर है, सारी गलियां बंद है समय, सुनसान पड़ा है। लोग समझ भी रहे हैं कि झांसी में कोरोना फैल चुका है, इसलिए हम खुद अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जो हमारे सदर विधायक जी ने मांग की थी सरकार से 15 दिन का लॉकडाउन लगाने के लिए, तो अब हम देखते हैं प्रशासन इस पर क्या गौर करता है। प्रशासन हो सकता है 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दे, या फिर अपने दिशा निर्देश पर शॉप को खोलने के लिए समय निर्धारित कर दे। सारी गलियां सुनसान पड़ी हैं। एक आधी आदमी बाहर दिख रहा है, बाकी सब लोग अंदर हैं। नगरा की हम आपको एक एक गली दिखा रहे हैं। अपने मार्केट संवाद के चैनल पर हम रोज की नई अपडेट दिखाते हैं। सारी गली सुनसान है समय, गवाही दे रही हैं कि हम भी कोरोना को हरा के बता सकते हैं। एक डॉक्टर साहब की दुकान खुली हुई है, देख सकते हैं कन्हैया मैरिज गार्डन। सारी गलियां इस समय कोरोना के भयभीत से सुनसान पड़ी हुई हैं। देख सकते हैं कोई भी बाहर नहीं है। सिद्धि विनायक ऑप्टिकल्स की दुकान भी बंद है। हम आपको नगरे की सारी गलियां दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। हम मार्केट संवाद के चैनल से नगरा के सभी लोगों को निवेदन करते हैं कि जैसा कि आपने प्रशासन को पूर्ण सहयोग किया है, तो हम बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब व्यापारियों को। नगरा के जितने भी व्यापारी हैं सब धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि उन्होंने शॉप को बंद करके रखा है। हम कोरोना को तभी हरा सकते हैं
जब हम घर से बाहर ना निकलें। हम नगरा की एक एक गली दिखा रहे हैं आपको, सब सुनसान पड़ा है, कोई बाहर नहीं निकला। एक आदमी दो आदमी बाहर अपने जरूरत के काम से जा रहे हैं, देख सकते हैं बाहर निकलते हुए। नमस्कार, आपका नाम क्या है भैया जी? नीरज मालवीय। आप कहाँ पर खड़े हैं? समय ये कौन सा एरिया आता है? तो जो प्रदेश सरकार ने दो दिन का लॉकडाउन किया है, तो आप इसमें सहमत हैं कि नहीं? झांसी में कोरोना महामारी ज्यादा फैल चुकी है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? विचार तो अगर सरकार 15 दिन के लिए लॉकडाउन करती है, तो आप पूर्ण समर्थन करोगे सरकार का? अपनी शॉप को बंद करोगे? शॉप हमारी क्लिनिक तो शॉप बंद कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं, जनता की भलाई के लिए खोली हो तो। ये हमारे कोटिया क्लिनिक है प्रेमनगर नगरा में, जो कि समय खुली हुई है, मरीजों को देखते हैं, दवा देते हैं। अब हम बात कराते हैं कोटिया जी से। नमस्कार सर। नमस्ते। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुशांत कोटिया, नगरा से। तो आप जो प्रदेश सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सराहनीय कार्य किया है प्रदेश सरकार ने, और जनता को स्वस्थ देखना प्रदेश सरकार का पहली प्राथमिकता है। और कोरोना की महामारी जो झांसी में फैल रही है, जो क्षेत्र वाइज क्षेत्र फैलती जा रही है, उसको रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी था। अगर सरकार 15 दिन का लॉकडाउन करती है, तो आप पूर्ण सहमत हैं इसमें? देखिए, चिकित्सा के महत्व तो मैं बताऊं कि अगर इस बीमारी को रोकना है तो लॉकडाउन ही इसका इलाज है। सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन इसका इलाज है। पारिवारिक दूरी रखी जाए, शरीर एक दूसरे से दूर रहें लोग, तो इसका इलाज है। इसी से बचा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और झांसी शहर की जनता से मेरा अनुरोध है कि इस बीमारी को थोड़ा गंभीरता से लें और आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें, वरना नहा निकलें घर से, अच्छा है, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। रिपोर्ट अनिल मौर्य, झांसी।